जो फील कर रहा तू सैड दे वो देख कितना सैड है, तेरे से ज्यादा सैड है पता भी नहीं लगने दे रहा, पता भी नहीं लगने दे रहा, इतना खुश है वो, इतना खुश है भाई। पनीर बटर मसाला आया ना, देख दे तुझे हे गाइस वेलकम टू 1 मिलियन व्लॉग। और फाइनली ये व्लॉग आप सबकी डिमांड पे आ रहा है और आज हम लोग जाएंगे थोड़ा बाहर। शाम को 6 बजे का प्लान है दोस्तों के साथ बाहर जाने का, जिसमें रोहित मतलब गॉड रोनी एजी भी आने वाले हैं हमारे साथ। वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ उसको बुलाता नहीं हूँ क्योंकि वो एज में छोटा है और हम लोग बड़े हैं, तो हमारे थोड़े जोक भी मैच्योर होते हैं, हमारी बातचीत मैच्योर होती है। अब वो बचकाने बच्चे को भी ले जाना पड़ेगा, मम्मी ने बोला है। पर हाँ, अब आप सोचो कि भाई देखो 1 मिलियन के बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको शायद अपने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी होगी तो मैंने आपको बताया था जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और वो जिम्मेदारी बढ़ गई है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो मैं Q&A के क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इन सभी का आंसर, इनमें से मेजोरिटी का आंसर करने की कोशिश करूंगा मैं। करीबन 30 क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूंगा और जो मिस हो जाएंगे वो जस्ट नेक्स्ट Q&A में लेके आएंगे। और ये मेरा ड्रीम था कि भैया हम अपने Q&A करेंगे 1 मिलियन पे और वही होने वाला है। तो हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, इसके बाद मैं वीडियो एडिट करूंगा, फिर दिन में शायद वीडियो एडिट करके शायद दिन में डालूंगा या फिर कब डालूंगा मुझे भी नहीं पता है। बट ये Q&A थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, शायद इसमें हो सकता है कि पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो मेरे। और मैं जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस पिक करने हैं, तो बाकी तुम प्रोसेस देखोगे अब टाइम लैप्स में। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के बजने वाले 5 और हम लोग निकलेंगे यहाँ से डिनर के लिए। मतलब 5 बजे डिनर के लिए निकले, मतलब जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वो थोड़ा दूर है और थोड़ा सा फिर वहाँ बैठ करके हमने रिजर्वेशन करा रखा है, थोड़ी देर बात उत करेंगे और इसको भी साथ में लेके जा रहे हैं इस बार, तो प्लान है कि इसको भी लेके जाने का साथ में। वैसे तो गंदा सा इंसान है और पता है इसने क्या कर रखा है, नीचे लाइट कलर की जींस पहन रखी, ऊपर ब्लैक पहन रखा। मैंने इसको बोला लाइट कलर पहन, वाइट कुछ शर्ट पहन ले, बट नहीं, इनको बनना है अपना अलग ही छपरी। तो मतलब छपरी बनना है तो मैंने क्या कर सकता हूँ भाई, तुम्हें छपरी बनना है। बाकी मैंने तो भाई अपने तरीके से पहन रखा, बाकी बाद में आपको दिख जाएगा क्या छपरी। मैंने बिल्कुल दिखना, मैं तुमको बाद में पता चल जाएगा मैंने क्या पहन रखा है क्या नहीं पहन रखा है जब ये बाहर जाऊंगा मैं। अब वो तो एक स्टाइलिंग होती है ना भाई, अब हर किसी की बस की बात थोड़ी ना, हर किसी की दाढ़ी भी तो नहीं आती है। तो अब निकलने का टाइम हो रहा है, मतलब अभी मैं जाऊंगा पहले दोस्त के घर, फिर वहां से उनको पिक करूंगा। हम लोग 10 लोग जा रहे हैं तो इसको इंक्लूड करके, वरना इसको हटा के 9 लोग होते, पैसा बच जाता, बट अब इसको भी लेके जा रहे हैं तो लेके जा रहे हैं। तो नहीं यार, अगर इसको हटा देते ना तो 8 ही बंदे होते। अच्छा ठीक है। तो गाइस अभी हो चुके हैं 6:15 और ये मैं कर रहा हूँ अपने दोस्त को कॉल, तीसरी कॉल जा रही है भाई को। 5 बजे का तैयार हुआ बंदा, 6:15 हो चुके हैं। दिशान भाई कहाँ हो भाई, इनको अभी जाना नहीं है, पता नहीं कहाँ है, बिजी है कहाँ है कहाँ नहीं है, बट क्या कर सकते हैं यार। मतलब हमारी 7 बजे की रिजर्वेशन है और मुझे जाना है, मैं रहता हूँ सेंट्रल दिल्ली, मुझे जाना है यहाँ पे हमारी पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के पास, और यहाँ अभी कॉल ही नहीं उठाई जा रही, अब लेट हो जाएंगे हम लोग, मुझे पता है, तो अब क्या ही कर सकते हैं गाइस। तो होपफुली भाई कॉल उठाए, कॉल नहीं उठा रहा, चलो भाई जो होगा पता चलेगा आगे। वो कहते हैं ना दोस्त कभी भी मासूम नहीं होते हैं, ये साले कमी नहीं होते हैं और मेरे वाले तो हद से ज्यादा हैं। अब भाई बात क्या हुई, मैं यहाँ पे 5 बजे का तैयार हुआ बंदा और हम लोग निकले हैं यहाँ से अपने एरिया से भाई यहाँ पे 7:30। अब तुम खुद सोच रहे हो वहाँ रिजर्वेशन हमारी 7 बजे की, हम लोग 7:30 तक यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ पे होटल वालों के रेस्टोरेंट वालों के लगातार कॉल आ रहे हैं। हम 8 बंदे, वैसे तो 10 थे, 2 लोग नहीं आए, चलो पैसा बच गया। पर हाँ यहाँ पे हम 8 बंदे 5 गाड़ियों के ऊपर चले गए और फिर निकल करके पहुँच गए वहाँ। फिर आगे की कई सारी ऐसी बातचीत है जो मैं तुम्हें सुना नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो यार ये सारा भाई लोगों का मामला है, तो मतलब कई सारी बातचीत ऐसी है जो कि शायद अगर मैंने डाली तो यूट्यूब तुमको एज रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, तो इसलिए मैं कई जगह में म्यूट करूंगा, कई जगह में नैरेटिव दूंगा, ठीक है। तो मजे लो और आगे देखो व्लॉग। भाई हमारे दीपक भाई हैं, ये हमारे गोलू भाई हैं, ये हमारे उमेश भाई हैं, हमारे दीपक भाई हैं, ये हमारे विशाल भाई हैं, और इसको तो तुम जानते ही हो, और हाँ ये हमारे हमारे दिशान भाई हैं। भाई फील कर रहा तू सैड दे, वो देख कितना सैड है, इतना खुश है भाई। पनीर बटर मसाला आया ना, देख दे।
मेरे को ऐसा बोल देता मैं तो जूते फेंक देता अपने लाइट भी जलती है अब ऐसा नहीं इसके लिए तो बोला उसको तुम्हें वो वाला काला धागा याद है जो यहाँ कमर में बांध देते थे उसकी कमर बड़ी हो गई ना तो धागा छोटा हो गया था हाथे मान ली थी कहीं बोला था ये टाइम लगा था भाई वो बहुत जल्दी ला रहा था बहुत ही जल्दी ला रहा था वो मेरे बातें भी सुना रहा था पहले तो मैंने बस ऐसे बोला था बटर कुछ चिकन आगे रख दिया वो दो पनीर वाले लग रहा यही वाली तू पनीर पे जिंदा है सेम है बड़ी जा रहा भाई काली मिर्ची मंगा के तुमने भी तो रुक ए तो जीवित है ए तो रुक और हैप्पी बर्थडे उसको गिला दे नाराज हो जाएगा कौन उसे गिला दे नाराज हो जाएगा दीपक भाई तू भी आ जा यार तुम मेरे को ही बोल अलग धोखा और तू दूसरा कागज भी खा गया मुंह पे लगा दूँ उसके नहीं नहीं थोड़ा सा अरे भाई मुंह मुंह नहीं मुंह यार ना और यार लगाई दिया इसने अब ज्यादा मत लगाइयो सर आ जाओ भाई कोठी मंगले वाली हरकतें दिखा दे कोठी मंगले आए अब ये खाने पीने और बातचीत में समय कब निकल गया पता भी नहीं चला और हमने केक काटा और इसके बाद में इतनी जल्दी में था क्योंकि बाहर आ रहा था बहुत तेज तूफान और हमें निकलना था घर को और हम सभी के सभी बाइक के ऊपर थे और सबसे बड़ी बात थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ था और रात को यार एक बच्चे की अलग ही जिम्मेदारी होती है तो इसीलिए चाहे वो 17 साल का क्यों ना हो बट जिम्मेदारी मेरी थी मेरी जिम्मेदारी पर वो यहाँ आया था तो मुझे लगा उसको सबसे पहले घर पहुँचाना है तो हम लोग सीधे निकले घर को हम ज़्यादा कहीं पर नहीं मिले मतलब हमारा प्लान था थोड़ा बाहर केड़िया वेड़िया भी मारेंगे रात को बट फिर बच्चा था साथ में तो हम सीधे घर को निकले घर पहुंचने के बाद यार मैं सीधे सो गया तो कुछ व्लॉग व्लॉग नहीं करा आगे इसीलिए मैं तुम्हें ये नरेशन दे रहा हूँ होपफुली तुमने इंजॉय करा होगा इस व्लॉग को एंड लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और कीप सपोर्टिंग गाइस थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही 1 मिलियन हो पाए तो अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि Q&A आने वाला है। अच्छा जिस रेस्टोरेंट में मैं गया था उस रेस्टोरेंट में एक लड़का भी काम करता है और वो फ्री फायर भी खेलता और मुझे जानता भी था और मतलब वो हमारा सब्सक्राइबर निकला बट मैं इतनी जल्दी में निकला कि मैं उसके साथ फोटो भी नहीं क्लिक करवा पाया और यार देखो ऐसा मत करा करो अगर तुम मुझे जानते हो ना तो मुझे डिस्काउंट दे दिया करो भाई इतना महंगा बिल काट दिया भाई थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए था पर ठीक है बढ़िया है भाई सॉरी मिल नहीं पाया बट नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तब जरूर से मिलेंगे।